भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह के महानगर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री का नौसर चौराहे पर माल्य अर्पण कर स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के पश्चात प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह बैनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश महामंत्री के अतिरिक्त वरिष्ठ भाजपा नेता उपेंद्र दत्त शुक्ला, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री शिव कुमार पाठक, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पुष्प दत्त जैन सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी पदाधिकारियों ने वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भारी जीत की रणनीति, पिछले बैठक में कार्यकर्ताओं को सौंपी गई दायित्व का क्रियान्वयन और पार्टी के मजबूती और विकास पर जोर दिया। विकास की दृष्टि से थोड़ा पीछे छूट जाए, उन गाँव का हर सेक्टर में चयन करना और हर सेक्टर में एक गाँव में रात्रि का चौपाल लगेगा। अभी तक जो हम सबने 4,000 से अधिक गांव उत्तर प्रदेश में मिले, हम लोगों ने जो रात्रि का प्रवास किया हमारे नेता कर रहे हैं, वहां से जो समस्याएं चिन्हित की गई उन समस्याओं को हम लोगों ने शासन को दे दिया है, अपने सांसद की मदद से प्रदेश सरकार को दे दिया है, प्रदेश सरकार के माध्यम से हर जिला अधिकारी द्वारा करके उन गाँव में समाधान करने का काम भी अब शुरू होगा, बातों भी शुरू होगा और आगे भी जब हम हर गाँव में जाने वाले हैं वहां भी जो समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का समाधान भी सरकार होगा। और इसलिए हम सब जो सरकार केंद्र सरकार की देश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को कैसे कैंप लगा करके नीचे तक विस्तार ले जा करके ये बता सके कि मोदी जी और योगी जी की सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे काम कर रही है ताकि लोगों तक नीचे तक एक संदेश जाए। और उसमें उसमें हमने एक इसकी कमेटी बनाई, मैं मानता हूँ ईमानदारी पूर्वक एक बूथ में 10 लोग भी रहेंगे, अगर एक बूथ में 10 लोग 200 परिवार है, अगर 20 परिवार एक व्यक्ति के लिए है तो 20 धाम है 200, अगर 10 व्यक्ति भी उस बूथ पर आ रहे हैं तो एक दिन में हर घर में पर्ची भरवाने का काम हम लोग कर सकते हैं। हम बीओ को बदलना छोड़ा और जिसका कामेला हम सबको भुगतना पड़ा, इसलिए सभी प्रकार की साजिशें हो रही है, सब प्रकार की विपक्षी ताकतें खड़ी हो रही है, उन ताकतों का हम मुकाबला तभी कर पाएंगे जब हम लड़ाई मजबूत पर होगी, जब हम बूथ पर एक मजबूत टीम खड़ा करेंगे। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप 10-12 जिस सिटी में उसमें 10-12 सक्रिय लोग निकल गए तो विश्वास मानिए उन्हें मिश्रित ज्यादा बंटवारा कर देंगे तो एक दिन के अंदर हर घरों में संपर्क हो सकता है और हर घरों में पर्ची बांट करके आप निकाल करके हर बूथ को जीत सकते हैं। 2019 में जो स्वामी विवेकानंद जी भविष्यवाणी किए दुनिया भर में भारत शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में खड़ा दुनिया का मार्गदर्शन रहेगा, मुझे विश्वास है क्षेत्र में आप सब के बारे में हम सब लोग आज बैठकर की चर्चा करें।